तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूं जो कि आपसे किसी भी इंटरव्यू के दौरान जनरली पूछ ही लिया जाता है। अगर आपसे किसी इंटरव्यू के दौरान यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई इकोनोमाइजर इज ऑलवेज कैप्ड अबव एपीएच, यानी कि एपीएच से पहले हमारा इकोनोमाइजर क्यों लगा होता है या एपीएच के जस्ट ऊपर हमारा इकोनोमाइजर क्यों लगा होता है, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको कैसे जवाब देना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। या आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि अगर हम लोग इकोनोमाइजर को नीचे रखें या एपीएच को हम लोग पहले लगा दें उसके बाद इकोनोमाइजर को लगाएं तो क्या इफेक्ट होने वाला है, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि इकोनोमाइजर को ही हमेशा टॉप में क्यों लगाया जाता है, एपीएच को क्यों नहीं लगाया जाता है, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहां पे एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है ये क्या है, हमारा इकोनोमाइजर है। ये जो आप दिख रहा है ये क्या है, हमारा इकोनोमाइजर है। और इसके बगल में मैंने दिखा रखा है एपीएच। कहीं कहीं क्या होता है, एपीएच जस्ट इकोनोमाइजर के नीचे रहता है, और कहीं कहीं क्या होता है, इकोनोमाइजर के जस्ट बगल में हमारा एपीएच लगा होता है। और इसमें हमारा जो फ्लू गैस का मतलब पाथ होता है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले बॉयलर से हमारा जो फ्लू गैस है वो इकोनोमाइजर में आता है, ठीक है। उसके बाद इकोनोमाइजर से आउट होकर के कहां जाता है, तो एपीएच में इन होता है। और एपीएच में क्या होता है, बहुत सारे ट्यूब लगे रहते हैं और इस ट्यूब के इनसाइड से हमारा फ्लू गैस क्या होता है, फ्लो होता है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और फ्लू गैस यहां से निकल करके कहां चला जाता है, तो देखिए ये चला जाता है हमारा ईएसपी में, ठीक है। और इस एपीएच में हम लोग एफडी फैन से एयर सक करके क्या करते हैं, ट्यूब के आउटसाइड में हम लोग क्या करते हैं, एयर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से यहां से हीट एक्सचेंज करेगा और इस एयर को हम लोग यहां से बॉयलर में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जनरली हमारा एपीएच के अंदर होता है। सिमिलरली हमारा इकोनोमाइजर में क्या होता है, तो देखिए इस इकोनोमाइजर में भी बहुत सारे यहां पे ट्यूब लगे होते हैं और इस ट्यूब के इनसाइड में हमारा वाटर फ्लो करता है। तो फीड वाटर इनलेट यहां से होता है और यहां टॉप से हमारा आउटलेट होता है। और फ्लू गैस क्या होता है, टॉप साइड से आता है और बॉटम साइड से निकल करके इधर चला जाता है। इस तरह से यहां पे वाटर क्या करता है, फ्लू गैस से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और हाइयर टेम्परेचर से निकल करके हमारा ड्रम में चला जाता है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा इकोनोमाइजर है इसको हम लोग पहले क्यों लगाए, अगर हम लोग इस एपीएच को यहां पे लगाते और इकोनोमाइजर को यहां पे लगाते तो क्या दिक्कत आती, इसके बारे में हम लोग अभी समझते हैं। तो देखिए, यहां पे ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाने का जो मेन रीजन होता है वो क्या है, तो इस इकोनोमाइजर ट्यूब का जो मटेरियल है और एपीएच ट्यूब का जो मटेरियल है उसका कंस्ट्रक्शन, यानी कि हम लोग किस मटेरियल से इकोनोमाइजर ट्यूब को बनाते हैं और किस मटेरियल से हम लोग एपीएच ट्यूब को बनाते हैं। तो जनरली आप देखें होंगे कि हमारा जो मटेरियल होता है वो किसका बना होता है, तो कार्बन स्टील का बना होता है। और ये जो कार्बन स्टील है वो कितना डिग्री सेल्सियस तक मतलब कि यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका अलाउएबल टेम्परेचर कितना होता है, तो कार्बन स्टील को हम लोग 427 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग इसका मेटल टेम्परेचर हम लोग राइज कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर अगर आप राइज करते हैं तो क्या होगा, ये डिफॉर्म होने लगेगा, क्योंकि कार्बन स्टील जो है उसका टेम्परेचर सस्टेन कितना तक करता है, तो 427 डिग्री सेल्सियस। और आप जनरली देखे होंगे कि जो हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर इनलेट होता है यानी इकोनोमाइजर में, वो मैक्सिमम हमारा कितना रहता है, 500 डिग्री सेल्सियस या 550 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इतना ही रहता है ना। तो यहां पे अब बात आता है कि हमारा 500 डिग्री सेल्सियस का यहां पे फ्लू गैस इनलेट होता है जो कि मेटल टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग का फ्लू गैस का टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, मेटल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 427 डिग्री सेल्सियस से कम ही होना चाहिए। तो ये जो वाटर है वो क्या कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेटल का टेम्परेचर है वो कभी भी 427 डिग्री सेल्सियस नहीं जाता है। तो हम लोग इसको भी तो लगा सकते हैं यहां पे, क्योंकि ये भी तो हमारा कार्बन स्टील का ही बना हुआ रहता है, ये भी इतना एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो है, सबसे बड़ा रीजन है अस्पेसिफिक हीट, यानी कि हम लोग यहां पे देखते हैं कि अस्पेसिफिक हीट कितना है। तो देखिए यहां पे इस इकोनोमाइजर में हम लोग क्या फ्लो करवा रहे हैं, तो यहां पे हमारा फ्लो हो रहा है वॉटर
और यहां पे हमारा एपीएच में क्या हो रहा है, तो यहां पे हो रहा है हमारा एयर। इसका मतलब कि अगर हम लोग वाटर का स्पेसिफिक हीट देखें, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर देखें, तो ये कितना होता है, तो 4.2 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, या इसको आप किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर आप एयर के केस में देखें, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर अगर बात करें, तो ये कितना होता है, तो 0.99 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन होता है, या इसको आप अगर किलो कैलोरी में करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.18 किलो जूल होता है। तो 4.18 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.25, ये क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझिए। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है, देखिए इसके यूनिट से आपको पता चल रहा है कि 1 केजी यानी कि 1 केजी वाटर, ठीक है, 1 केजी वाटर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना हो तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, यानी कि 1 केजी वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट कितना लग रहा है, ये क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक हीट हो रहा है। तो यहां पे देख रहे हैं कि हमारा जो वाटर है वो ज्यादा मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर यहां पे हमें वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है तो ये कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो 1 किलो कैलोरी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली हम लोग अगर एयर के केस में देखें तो 1 केजी एयर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए, तो 0.25 किलो कैलोरी चाहिए। यानी कि अगर हम लोग इसको यहां पे लगा देते हैं तो ये क्या करेगा, बहुत कम अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि जो हमारा फ्लू गैस आ रहा है उसमें से क्या करेगा, 0.25 किलो कैलोरी ही हीट एब्जॉर्ब करेगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। 1 केजी अगर एयर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो वो कितना हीट लेगा, तो 0.25, जबकि हमारा जो वाटर है वो कितना ले रहा है, 1 किलो कैलोरी ले रहा है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इसका मतलब कि हमारा जो वाटर है वो एयर से 4 गुना हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो हमारा वाटर है वो क्या कर रहा है, इस एयर के कंपेरेटिवली 4 टाइम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको पहले लगाते हैं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ये 500 डिग्री सेल्सियस है और इन केस जैसे हमारा फॉलिंग हो जाए, जैसे वाटर वॉल में फॉलिंग हो जाए, सुपर हीटर में फॉलिंग हो जाए, तो ये टेम्परेचर आपका 600 भी आ सकता है या 700 डिग्री सेल्सियस भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में अगर हमारा इकोनोमाइजर में आएगा तो इकोनोमाइजर क्या करेगा, बहुत तेजी से उसका हीट को ड्रॉप करेगा, क्योंकि 1 केजी जो वाटर है वो क्या करता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना, 1 किलो कैलोरी हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से कितना भी हाइयर टेम्परेचर आए तो वो बहुत तेजी से क्या करेगा, उसका हीट को ड्रॉप करेगा। अगर आप इसको लगाएंगे यहां पे तो ये क्या करेगा, इससे 4 गुना स्लो मैनर में हीट को डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए अगर हम लोग इसको यहां पर लगाते हैं तो क्या होगा कि जो टेम्परेचर ड्रॉप करेगा वो बहुत ही स्लो मैनर में करेगा, यानी कि वाटर के कंपेरेटिव 4 टाइम स्लोअर मैनर में करेगा। तो चांस होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग यहां से फ्लू गैस एंटर करवाते हैं, इन केस मतलब कि बॉयलर से हमारा फ्लू गैस इधर आता है, तो यहां पे जो आउटलेट होगा यहां से जो हमारा फ्लू गैस निकलेगा वो बहुत ही हाइयर टेम्परेचर से निकलेगा। क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो इससे 4 गुना टेम्परेचर डिक्रीज करता है फ्लू गैस का। तो मान लीजिए कि हम लोग यहां से इनकेस हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग फ्लू गैस को सबसे पहले एपीएच में लाते हैं तो यहां से जो हमारा फ्लू गैस निकलेगा वो हाइयर टेम्परेचर निकलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जो एफडी फैन लगाते हैं उसका जो एयर होना चाहिए जो बॉयलर में जाता है उसका एक डिजायर्ड रेंज है कि हमको 100 डिग्री बढ़ाना है या 120 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ये उसका रेंज है। तो मान लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 120 × 0.25 कर देंगे तो उतना ही हीट को ये केवल ड्रॉप करेगा, जबकि हमारा ये जो इकोनोमाइजर है वो क्या करेगा, वो बहुत फास्ट मैनर में फ्लू गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो अभी हम लोग यहां पर देखते हैं, मान लीजिए कि यहां पर हमारा 600 डिग्री सेल्सियस है तो ये क्या
करेगा बहुत जल्दी जल्दी, इससे चार गुना तेजी से क्या करेगा, फ्लू गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो यहां पर जो हमारा टेम्परेचर मिलता है वो लेस देन इतना हो जाएगा, यानी कि 427 डिग्री सेल्सियस से लेस टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि वेरी फास्ट मैनर में यहां पर हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तो क्या होगा कि अगर हमारा हाइयर टेम्परेचर भी आएगा तो मेटल जो है वो जल्दी डिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हीट ट्रांसफर जो रेट है वो बहुत ही फास्ट मैनर में है। तो जो भी मतलब हीट रहेगा उसको जल्दी से एक्सचेंज कर लेगा। तो यहां से हमारा जो टेम्परेचर निकलता है वो कितना होता है, जनरली 200 या 220 250 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यहां पे 250 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर में हमारा यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये क्या करता है, वेरी फास्ट मैनर में हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन सिमिलरली अगर हम लोग इधर से लाएं तो यहां से जो हमारा टेम्परेचर निकलेगा वो कभी भी हमारा 400 या 500 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर है वो क्या है, 4 टाइम कम है इससे। तो यहां पे अगर आउटलेट में ही 450 डिग्री सेल्सियस है और इनलेट में मान लीजिए कि हमारा 600 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पे जो हमारा ट्यूब है उसका मेटल टेम्परेचर हमारा बहुत जल्दी चांस होता है कि 427 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से हमारा अगर मेटल का टेम्परेचर बियॉन्ड यील्ड पॉइंट पहुंच जाए, यानी कि बियॉन्ड डिजाइन टेम्परेचर पहुंच जाए, तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाता है। इसीलिए हम लोग पहले इधर देते हैं ताकि हमारा जो फ्लू गैस है वो वेरी फास्ट मैनर में इसका टेम्परेचर, ये जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर ले। और इसका टेम्परेचर अगर यहां पे मान लीजिए कि हमारा 450 डिग्री सेल्सियस हो भी रहा है तो ये क्या करेगा, बहुत तेजी से हीट का ट्रांसफर करते रहता है, जो कि आउटलेट में हमारा टेम्परेचर इतना मिलता है। और इस कंडीशन में हमारा ये इकोनोमाइजर ट्यूब कभी भी फेलियर नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमारा हीट ट्रांसफर बहुत फास्ट मैनर में हो रहा है। तो इस तरह से यहां पे जो स्पेसिफिक हीट है ना वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसी की वजह से हम लोग इसको पहले लगाते हैं ताकि यहां पे हमारा वेरी फास्ट मैनर में फ्लू गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए और इतना टेम्परेचर पे हमारा एपीएच कभी भी फेलियर नहीं होता है। तो ये हुआ ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनोमाइजर को क्यों हम लोग सबसे टॉप में लगाते हैं, एपीएच को क्यों नहीं लगाते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।